कभी खुशियों के सरगम लिखेंगे, कभी आंखों का पानी लिखेंगे, कभी खुशियों के सरगम लिखेंगे, कभी आंखों का पानी लिखेंगे। मिलके अब हम बड़े प्यारे से जिंदगी की कहानी लिखेंगे, कभी खुशियों की सरगम लिखेंगे, कभी आंखों का पानी लिखेंगे, कभी खुशियों की सरगम लिखेंगे, कभी आंखों का पानी लिखेंगे। मिलके अब हम बड़े प्यारे से जिंदगी की कहानी लिखेंगे, कभी खुशियों की सरगम लिखेंगे, जी हाँ दोस्तों साथियों, आप सभी को रेडियो सरगम ऑस्ट्रेलिया पर हम स्वागत करते हैं। जितने भी लोग आज हमारे से जुड़े हैं रेडियो सरगम के माध्यम से राम कथा पर, आप सभी का स्वागत है। आज हमारा जो 31 एपिसोड राम कथा का है, पंडित जी लेकर आते हैं हर शुक्रवार को पंडित देवेंद्र शर्मा, जो श्री शनि संकट मोचन मंदिर से जुड़े हुए हैं। आज का प्रोग्राम लेकर आए हैं फिर से, आज शुक्रवार है दोस्तों, समय हो गया है 7:37 PM। देर से आने के लिए क्षमा चाहते हैं, थोड़ी टेक्निकल इशू थी दोस्तों, उसके लिए आपसे क्षमा चाहते हैं। और आज का जो प्रोग्राम है, उम्मीद करेंगे आप ज़रूर इसको शेयर करेंगे। हमारे स्पॉन्सर जो है फ्लेवर्स ऑफ फिजी, जो पाकली मार्केट में इनका स्टॉल है दोस्तों, Gate 5 से अगर आप एंटर करेंगे वहीं पास में है नियर द रोलाडो, और सभी तरह के इंडियन ग्रोसरी और साथ साथ में इंडियन फूड वहाँ पर मिलेगा आपको गर्मा गर्म। और साथ साथ में अगर आप कैटरिंग करना चाहें तो ज़रूर कैटरिंग कर सकते हैं। नंबर फेसबुक पर स्क्रॉल हो रहा है, आप उस नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं, नंबर है 04236993305 पर। तो चलते हैं, तहे दिल से सभी को हम फिर से स्वागत करते हैं, पंडित जी को भी हम स्वागत करते हैं। पंडित जी नमस्कार, स्वागत है आपका रेडियो सरगम ऑस्ट्रेलिया पर 31 एपिसोड ऑफ राम कथा पर। जी हाँ, चाहता हूँ सभी को राम राम और सीताराम। हम आज फिर से इस हमारे अच्छे भाग है कि आपके बीच में आज एकादशी का उत्पन्ना एकादशी का पर्व पर, अच्छी तिथि पर आपके बीच में भगवान विष्णु की राम की कथा आपके बीच में प्रस्तुत करने के मुझे अवसर मिल रहा, और आपका भी आज श्रवण करने के लिए इस कथा में आपको हम निवेदन कर रहे हैं, साक्षात में मांग कर रहे हैं कि आप इस कथा में जुड़े रहें। हम थोड़े ही क्षण में कथा को आरम्भ करेंगे, अयोध्या कांड से उठाएंगे जहाँ पिछले सप्ते छोड़े थे। और आज के दिन पर एकादशी, उत्पन्ना एकादशी, आपको कथा अगर जो आप इस पर पढ़े होंगे हमारे तो आज देखे होंगे कि सुबह से लिखा हुआ है कि आज के एकादशी के दिन ही एकादशी का शुरुआत हुआ था। भगवान विष्णु जब एक समय विश्राम पे हो जाते बद्री आश्रम में, बद्री आश्रम कहाँ है, उत्तराखंड में है, और विश्राम में थे, उसी से एक मुरा नाम का राक्षस जब सारे उपद्रव मचा रहे थे देवताओं के लोक भी में, और उसको रोकते रोकते हैं भगवान विष्णु के शरीर से एक शक्ति निकलती जिसका नाम ही एकादशी पड़ी है, और वो शक्ति के द्वारा उस राक्षस को वध होता है, और वध के बाद में वो वही शक्ति हमारे बीच में आज उत्पन्ना यानी कि उत्पन्न हुआ है, और वो शक्ति के द्वारा एकादशी के व्रत सारे ब्रह्मांड में माना जाते, देवताओं के लोक में और और हमारे साक्षात में पृथ्वी लोक में भी इसको मान्यता दिया जाता है कि भगवान श्री हरि का ये परम प्रिय व्रत एकादशी है, जिसको आज जिस तिथि पर आज हम आपको लेकर जुड़ेंगे। अगले बार जब ये तिथि फिर आएगी, दोबारा आएगी, तो उस दिन पड़ेगी गीता जयंती और क्रिसमस के दिन पड़ेगी, इसके विषय में बाद में चर्चा करेंगे। लेकिन आज का हम आपको जोड़ रहे हैं, हम कुछ ध्यान मंत्र सुनते हैं, थोड़ा विलम्ब से है लेकिन आज ध्यान मंत्र सुनेंगे और राम जी का स्तुति करेंगे, फिर आगे 40 आदि से लेकर के कथा चलते हैं। ध्यान मंत्र हरि ओम
श्री मनमहागणाधिपते नमः। ओम श्री सरस्वते नमः। ओम श्री लक्ष्मी नारायणाय नमः। ओम श्री उमा महेश्वराय भ्यो नमः। ओम श्री वाणी हिरणायं भ्यो नमः। ओम सच्ची पुंद्राय भ्यो नमः। ओम मात पितृ चरण कमले भ्यो नमः। यजमान इष्ट देवताय भ्यो नमः। ओम कुल देवताय भ्यो नमः। ओम ग्राम देवताय भ्यो नमः। ओम वास्तु देवताय भ्यो नमः। हरिः ओम। ओम भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ओम दशताय विद्महि सीतावल्लभाय धीमहि तन्नो राम प्रचोदयात्। ओम जनक नंदिनाय ओम जाये धीमहि तन्नो सीता प्रचोदयात्। ओम दशरथ नंदनाय विद्महि उर्मिला प्रियाय धीमहि तन्नो लक्ष्मण प्रचोदयात्। ओम अंजनेय गर्भाय विद्महि वायुपुत्राय धीमहि तन्नो हनुमान प्रचोदयात्। ओम शन्नो मित्रं शरणो वरुणा शन्नो भवितर्मा शन्नो इंद्रो बृहस्पति शन्नो विष्णुरुरुकमा नमो ब्रह्मणे नमस्ते वायो तमेव प्रतिच्छं ब्रह्मासि तमेव प्रतिच्छं ब्रह्म वदिष्यामि रित्यं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि तत् मा अवतु तत् वक्तारम् अवतु माम् अवतु वक्तारम्। ओम शांति ही शांति ही शांति। भगवान राम का स्तुति करेंगे श्री रामचंद्र कृपालु। कितने कृपा करने वाले भगवान राम, दीन दुखियों पर कृपा करने वाले और दयालु ऐसे हैं कि जो भी उसका सहारा मांगते हैं भगवान तैयार हो जाते हैं उनको देने के लिए। और यही कथा को आज भी उठाएंगे। रामचंद्र कृपालु आप सबके बीच में। श्री राम चंद्र कृपालु भज मन हरन भव है दारुणं तो कहि रोदन कंद मुख कर कंद पद कंजारुणं अमित छवि नव नील नीरज सुंदर पद गीत मानवरि चरुचि सुचि नवमी जनक सुदावर मधुदीन बंधु दिनेश जुलहि सोहर सहज सुंदर सामरो करु नारिराज सुनान शिव सनेहु जानत रावरो श्री राम चंद्र कृपालु भज मन हर न भव है
मुख कर कंज पद कंजारुं श्री राम श्री राम जी अशोदा, हम आपके बीच में सुमिरन का पाठ करने जा रहे हैं। सुमिरन और साक्षात में भोग गीत गाएंगे और भोग गीत गाएंगे। इसमें सुमिरन के साक्षात में अगर जो आपके पूजा के स्थान पर तैयारी कुछ बनाए हैं तो दिया जला लीजिए पहले तुम, और उसके बाद में आचमन करके जल लेकर के एक अपने हाथ साफ कर लीजिए। एक से ज़्यादा लोग आप साथ में जुड़े तो एक दूसरे को हाथ धुला करके और आचमन तीन बार जल लेकर पी करके फिर संकल्प में आराम से भगवान जी को सामने फूल लेकर प्रार्थना कर लीजिए। फिर जो जो भी सामान है, 5 मिनट है तो भगवान को अभिषेक करिए, जल से करिए, चंदन है और सिंदूर आदि और धूप दीप दिखा करके भगवान को प्रसाद भोग। अगर आज राज एकादशी है तो एकादशी का जो कुछ प्रसाद भगवान आप तैयार किए हैं, भगवान के लिए तैयार किए हैं, जिसमें अन्न ना हो तो उचित है, क्योंकि आज के दिन पर भगवान भी अन्न ग्रहण करते हैं और हम लोगों को भी उचित रखना है कि जिस स्थिति के विषय में भगवान बार बार अपनी गीता में बताए हैं श्री कृष्ण, उस स्थिति को हम लोग भी अगर पालन करते हैं धरती पर तो भगवान के बताए हुए मार्ग को हम लेकर चल रहे हैं। जैसे भी है, जो भी सुविधा आप बनाए, कम से कम फल तो जरूर आप अर्पण कर सकते हैं ऐसे कर करके, और फिर भोग गीत आदि करके हम तैयार हो जाएंगे भगवान हनुमान जी का 40 कपार सुनने के लिए। सभी लोग अपने पूजा के स्थान पर तैयारी कर लीजिए जो भी बनी है। धन्यवाद। कहो कर दो
प्रसन्न पुरवहु सकला मजु मनोरथ मोराद चल गीत समात जल सीता राम पदा जिन परम प्रिय याही समय सुन करो सुनो वीर हनुमान आय सहित भगवान समदले सुमन सुभागि आयो मोरे भगवन आओ भोगल गाओ मोरे भगवन सबरी के बैर सुनामक तांदुल सबरी के बैर सुनामक तांदुल मांग मांग हरी आयो मोरे भगवन आओ भोगल मोरे भगवन जो कोई इस भोग को पावे जो कोई इस भोग को पावे सोई ये तेरो आए मेरे भगवन आओ भोग आओ मोरे भगवन आओ बोलिए रामचंद्र भगवान की जय। भगवान राम को हम लोग स्वागत कर चुके हैं स्टूडियो में, जैसे आप घर पर किए होंगे और तैयारी बना रहे हैं भगवान की सेवा में, ऐसे हर हफ्ते आप तैयारी करिए। हर हफ्ते हम लोग कोशिश करते हैं भगवान राम की कथा इस स्टूडियो से, रेडियो सरगम की नेटवर्क से, रेडियो सरगम ऑस्ट्रेलिया की नेटवर्क से, चाहे फेसबुक में हो और चाहे इधर यूट्यूब पे या तो फिर वर्ल्ड मैक्स पे घर बैठे आप टीवी में देख रहे हैं, ये सभी का साधन आपको मिल रही है और इसको आप लाभ उठाइए। हम लोग कथा आरंभ करने से पहले हमेशा हनुमान चालीसा का सहारा लेते हैं, हनुमान जी का आशीर्वाद बने रहे, हनुमान जी ही आदेश देते हैं तो हम पहुँच पाते हैं यहाँ। हनुमान जी की आशीर्वाद ना बने तो हम कथा कहाँ आपके बीच में कर पाएंगे, और हनुमान जी आपको नहीं चुनेंगे कि आप कथा चुने, कथा श्रवण करें तो भी आप नहीं भाग ले पाएंगे। ये सब बातें अपने अपने भाग के द्वारा हनुमान जी हम लोग को रास्ता खोले राम की भक्ति के लिए। चालीसा के पाठ हम सब मिलकर, आप सबको आता है तो साथ में गाइए, अन्यथा यहाँ से श्रवण करिए। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधारी वरनहु रघुवर विमल जसु जो दायक फलचारी जानिके सुमिरो पवन कुमार बल बुद्धि विद्या देव मोहे हरहु कलेश विकार जय हनुमान ज्ञान गुण सागर जय कपीस तिहु लोक उजागर राम दुलारा
और देवता जी नंदनी हर
आपके बीच में 9 महीने निकल गए और हम लोग इस कथा को, रामायण की कथा को रामनवमी के तुरंत बाद ही उठाए थे। क्या पता था कि इतने समय निकल जाएगी आपके बीच में कथा बोलते बोलते, आपको सुनाते, आप हमेशा जुड़ जाते हैं, श्रवण करने के लिए तैयार हो जाते हैं। यह हमारी एक बहाना बन जाती कि हर सप्ते कथा आकर बोलने का अर्थ ये होती है आपका भाग है इसको श्रवण करने, मेरा भाग है कि आपको सुनाने के लिए। राम भगवान और हनुमान जी, शिव भगवान जो कथा को लिखे हैं, पार्वती से बोले हैं और सुनाए हैं, समझाए हैं, हनुमान जी की कृपा है, ये राम जी की कृपा है और साक्षात शिव परिवार की कृपा है कि हम लोग को आपके बीच में कथा बोलने की, और ये इस जगह से, इस स्थान से, इस स्टूडियो से हर सप्ते इस आंगन में रामायण की पाठ का कुछ न कुछ दोहा छुपाई हम लोग सुनते हैं, श्लोक सुनते हैं, चालीसा का पाठ सोती हर सप्ते कम से कम शुक्रवार के बेला में यहाँ पर आपके बीच में हम लोग भोग अर्पण करते हैं और आपका भी ऐसे भाग बनते कि आप भी ऐसे करिए। हम लोग कथा वहां से लेंगे जहां पर पिछले सप्ते छोड़े थे। सभी चंदु चवे बरु अनलकन सुधा होये विषतूल सपने कपो न करें किचु भरत राम प्रतिकूल। राजा दशरथ के ऊपर क्या बीतरी हो सके, जिस व्यक्ति को सबसे ज्यादा आप विश्वास करते हो अचानक में धोखा दे दे आपको, तो आपको क्या लगे? इसी के भरोसा तो हम चलते थे सब कुछ, जितने गोपनीय बात, जितने प्रिय बात जो आप किसी से और नहीं बांटते थे, एक व्यक्ति से बांटे, अचानक में वह तुम्हारे कांटे बन करके आके खड़े हो जाए, अचानक में वही तुम्हारे तरफ से दरवाजे बंद कर दे कि अब आगे आपको जो भी है इनके आधार पर, इनके बात मानो तो चलना, ये कितने दुख की बेला। ऐसा ही परिस्थिति राजा दशरथ के जीवन में आ गया, सारे तरफ दुख उनको घेर ली, दुख इस बात के घेर ली कि जिसको प्रिय मानते थे माता कैकेयी, धर्मपत्नी कैकेयी है उनका, वही तो है तो कौशल्या और सुमित्रा भी, लेकिन कष्ट के कैकेयी को जितना मानते थे राजा दशरथ उतना और किसी को नहीं। और यहाँ पर बात ये होती कि कैकेयी ने ऐसा वरदान मांग लिया कि जो दूसरे नंबर पर किसी को मानते थे भगवान राम यानी बेटे राम को, और वो आज दगा पर क्या कर रहे हैं उनको ही घर से निकालने का बेकारण। राम के कहीं भी कुछ किए होंगे जन्म से लेकर अभी तलिक तो कोई कहने की बात, लेकिन राम भगवान कहीं ऐसे कुछ किए नहीं, देखने में तो नहीं रामायण में मिलती है कि राम ने कुछ ऐसे किए जिस कारण से कैकेयी मांग कर रही है घर से निकल जाए। भरत को स्वभाव है कि भरत को देने के लिए हर एक माताएं को, हर एक जननी को चाहते हैं अपने परिवार, अपने बच्चों के लिए सबसे अच्छे से अच्छे वस्तु, तो भरत के लिए राज मांगे तो स्वभाव, मांग सकते वरदान ले सकते थे, और लेकिन राम जी को इतनी तकलीफ दे रहे हैं उस बात राजा दशरथ को नहीं भा रहा है और समझ नहीं पा रहे और सहन नहीं कर पा रहे हैं। तो चौपाई में आता है कि चंद्रमा चाहे शीतल किरणों की जगह पर, चंद्रमा से क्या ठंडक निकलती, चंद्रमा अपने जगह पर ठंडे निकालने की जगह अग्नि बरसाने लगे, ऐसा शायद हो सकता, होता नहीं है लेकिन तुलसी जी बता रहे कि ऐसा शायद हो सकता है। और दूसरे तरफ बता रहे कि अमृत जहर कभी हो और अमृत हो, यानी दोनों ऑपोजिट में है, दोनों दूसरे की एक तरफ इधर तो दूसरे तरफ हो, तो अमृत शायद कभी जहर भी हो सकता, होता नहीं है लेकिन ऐसे हो सकता है, लेकिन ये बात होता, परंतु भरत जी के सप्रेम में भी कभी रामचंद्र के विरुद्ध कभी नहीं कहेंगे, राम का साथ जुड़ करके स्नेह, इतनी श्रद्धा, इतनी प्रेम
जो भरत का है, तो बता रहे कि ऐसा कभी भी नहीं हो सकता है कि भरत उनसे कभी हटे, कभी मुड़ करके अलग हो, जो कैकेयी मांग रही है कभी संभव हो ही नहीं सकता। ये बातें राजा दशरथ के मन में गूंज रही है। चौपाई में आता है, हम लोग गाएंगे और आपको बीच में हम समझाएंगे। एक विधात ही दूषण देही, सुधा दिखाई दीन विष जेही, कर भरु नगर सोच सब काहू, दुसही दाव उर मिटाव छाऊ, विरप बधु कुल माने जटेरी, जे प्रिय परम के कहीं केरी, लगई देन सिख सील सरारी, वचन वान सम लागही ताही, भरत न मोहि प्रिय राम समाना, सदा कहूँ या सब जगु जाना, करहूँ राम पर सहज स्नेहूँ, कहीं अपराध आज बन देहूँ। तुलसीदास जी अपने बता बता रहे, कबहु न किए सब त्यारे सु, प्रीत प्रतीति जान सब देसु, कौशल्या सब अब काहू बिगारा, तुम जही लागी ब्रजपुर पारा। तुलसीदास जी बता गा रहे कि सिय के पिय सगु पर ही हरे लकहि न रही धाम, राज के बूजब भरतपुर निप कर जिए बिनु राम, सियावर राम चंद्र जी की जय, पवन सुत हनुमान की जय। तुलसीदास जी बता रहे सुनिए, एक विधाता दूषित दे, विधाता कैसे कर सकता है कि एक तरफ दे करके फिर ले लेता है, ऐसे हो सकता है कि विधाता ने पहले दिए अमृत फिर विष भर दिए उस अमृत में, दिए अमृत सारे अयोध्या में खुशियाली छा ली सिवाय दो व्यक्ति, और सारे के सारे खुशियाली में हैं कि भगवान हमारे लाडले पुत्र राजा दशरथ के ज्येष्ठ पुत्र अब राजा बनने वाले हैं, अचानक में अमृत की जगह पर क्या आ गई, विष आ गई, तो कैसे हो सकता है। नगर भर में खलबली मच गई, सब किसी को सोच हो गया, हृदय में दुसर जलन हो गई, आनंद उत्साह मिल जाएगी, सब इसकी विष्णु में जलन हो ली, कैसे हो सकता, कौन क्या कर सकेगी, इस कारण से ऐसे बात हो गई। और सब तरफ क्या होगी, आनंद उत्साह मिट गई, जितनी आनंद सब तरफ तैयारी हो रही थी कि क्या होगा ये सब मिट गई, ये खुशियाली जो कितने लोग रात भर जागे हैं कि आज कल सुबह कब जल्दी से हो जाए सुबह और हमारे प्रिय राम जी राजा बन जाए, ये सब अचानक में सब के सब मर जाती। ब्राह्मणों की स्त्रियां कुल की मान्य बड़ी और बूढ़ी, तुलसीदास जी बता रहे ब्राह्मण की जो स्त्रियां हैं और कुल में जो बड़े हैं, कुल की मान्य बड़ी और बूढ़ी, यहां बता रहे कि जो बड़े लोग हैं और बूढ़े लोग हैं, बड़े आदर के रूप से जिसको आदर किया जाता है, मान सम्मान है जिसे, उसको उसके उदाहरण दे रहे, और बूढ़े लोग हैं जो लोग ज्यादा उम्र के होते उनको अनुभव ज्यादा होता है, अनुभव यानी एक्सपीरियंस ज्यादा और ज्ञान ज्यादा, जो जीवन में ज्यादा दीपावली देखे वो समझना कि उसके पास ज्यादा अनुभव है, और जो लोग के पास कम अनुभव है बस ग्रंथ पढ़ के या यहाँ वहां से कथा पढ़ करके ज्ञान लिए, ठीक उसमें कोई कमी नहीं मैं बता रहा हूँ, लेकिन जिसको अनुभव है ज्यादा उसको मान सम्मान देना चाहिए। तुलसीदास जी बता रहे कुल के माननीय बड़े और बूढ़े, माननीय लोग जिसको मान दिया जाता है और बूढ़े लोग, और जो कैकेयी के परम प्रिय थे, जितने लोग कैकेयी को अच्छा से जानते थे पहचानते थे उनको भी जोड़ करके वे सब उनको शील सहारना करके उसे सीख देने लगे, सब कैकेयी के पास पहुंचते हैं कि आप ये हट अपने हटा लीजिए, जो मांग कर रहे हैं उसको हटा लीजिए, भारत का राजा देने के वाली हट आप रखिए, जो वरदान जो मांगे हैं एक बात कि भरत राजा बने तुम्हारे बेटे राजा बने इस बात को चाहे आप रख लीजिए, स्वभाव है आप उनकी माँ हैं जननी हैं तो आप ये मांग रहे हैं तो ठीक है चलो मांग लीजिए, लेकिन दूसरे बात जो है कि राम को बन अयोध्या से निकाल देने इस बात को रोक लीजिए इसको हटा दीजिए। और यहाँ बता रहे कि पर उसके उसके वचन बाणम के समान लगते हैं, कौशल्या कैकेयी को क्या लग रहा है कि कोई एक बाण किसी को व्यक्ति को मार रहा है तो चोट तो लगेगा, तो कैकेयी को यही लगता है कि ये तो मेरे बाण के समान ये आकर मुझे चोट दे रहे, जो बता रहे मुझे जो व्यक्ति क्रोध में भर करके कुछ भी मांगता और करता है उसको कोई समझाने की कोशिश करे तो व्यक्ति यही करेगा जो कैकेयी अभी कर रही है कि सारे सारे सब हमारी दुश्मनी है, कोई हमारे हित कोई हमारी बात नहीं सोच रहे, कैकेयी यही सोच रहे कि जितने लोग मुझे उल्टा समझा रहे हैं मेरे तरफ से कोई नहीं है, ये सब के सब दूसरे तरफ है।
वे कहते हैं कि तुम तो सदा कहती थी कि रामचंद्र के समान मेरा भरत प्रिय है, तो आज भेद कैसे हो गया? केके को गुरु माता, ब्राह्मणों के पत्नियां और माननीय बड़े और बूढ़े लोग सब समझा रहे हैं केके को कि आप हमेशा कहते हैं कि राम तो भरत जैसे प्यारे हमारे लिए हैं। कहो सदा या सबु जुग जाना कि करो राम पर सहज सने हो कि भरत न मोही प्रिय राम समाना। भरत और राम में मैं कोई अंतर नहीं देखता, दोनों एक दूसरे को मानता हूँ, एक बराबर मानता हूँ। फिर आज अचानक में बदलाव कही, दोनों बीच में फुट मत क्यों ला रहे आप? और रामचंद्र जी पर तो तुम स्वाभाविक है कि स्नेह करती थी, और आज जिस अपराध उन्हें देना चाहती हो, मैं वही कहा ना कि भरत को राजा बनाने के लिए बात जो आप रखें, चलो उसको मान लिया जाए, उसको रखा जाए, लेकिन राम को यहाँ से निकाल देना, राजपाट के सुख उससे छीन लेना, जन्मे हैं राजकुल में तो उनको राजपाट के सुख तो मिलना ही मिलना चाहिए, फिर उसको निकाल देना अचानक में बिना कोई कारण बिना कोई दोष का, ये उचित नहीं। यहाँ बता रामचंद्र जी तो स्वाभाविक से ही स्नेह करते हैं, तो आप उसको उसके ऊपर दंड भी दोगे तब वो भी स्नेह से प्यार से स्वीकार कर लेगा, ऐसा हमारे हैं हमारे राम। कबो न कियो सवती अरोसु, तुमने कभी सोत्यान्न का नहीं किया, सारा देश तुम्हारे प्रेम विश्वास जानता है। और माताएं समझा रहे क्या कि अयोध्या जो देश है, जो नगर है, जो स्थान है, ये सब तुम्हारे प्रेम प्रेम और श्रद्धा आपको जानते हैं। अब कौशल्या तुम्हारे कौन सा बिगाड़ किया थे जो उनके पुत्र को आप भेज रहे? अपने पुत्र के बारे में अच्छा मांगना ठीक बात है, लालचपना है, फिर भी ठीक बात है, चलो समझे समझने वाला बात, लेकिन दूसरे माँ का पुत्र को आप मन में भेज रहे, उनको माँ और बेटे को दूर कर रहे हैं, ये कैसे हो सकता है? जिसके कारण तुमने सारे नगर पर वर्ज गिरा दिया है, वर्ज नहीं बिजली गिर गई, आग वर्ज बरसा दिए हैं पूरे नगर में, अयोध्या नगर में आज आग की तरह बरसने लगी, सब लोग तुम्हारे बारे में क्या सोचेंगे? अब अभी समय है, बदलाव कर लीजिए। सिया के पिए सगु पर यही लखनऊ की रहे धाम। आज कहा जाता है कि क्या सीता जी अपने पति रामचंद्र जी के साथ छोड़ देंगे? आप क्या चाहते हैं कि राम और सीता अलग हो जाए, क्योंकि वनवास तो आप राम को भेज रहे हैं, तो सीता से अलग कैसे? ये भी बड़ा दुख है। पहला दुख तो बताए कि पूरे अयोध्या आपसे रूठ जाएंगे, असर नहीं पड़ी के ऊपर, और फिर बताए भरत आपसे रूठ जाएंगे, नहीं असर पड़ी। सीता और राम का अलग करने की दोष आपको लगेगी, एक पति पत्नी को अलग किए करने का पाप लगेगी आपको, केके को कोई असर नहीं पड़ा। भरत और समय करना राम और लक्ष्मण में कितनी मंगल जोड़ी है, इन दोनों एक दूसरे से अलग रह पाएंगे, ये भी एक पाप लगेगी, दोष लगेगी आपके ऊपर। ऐसे ऐसे दृष्टांत, ऐसे ऐसे एग्जाम्पल, ऐसे ऐसे उदाहरण दे रहे नगर का, अयोध्या वासियों का, बड़े और बूढ़े नारियां समझा रहे हैं केके को, लेकिन क्या समझे? अर्थात वह सीता यहाँ रहेगी, ना लक्ष्मण रहेंगे, बता रहे हैं, ना भरत जी राज करेंगे, ये सब आप बात देख लीजिए, केके को समझा रहे हैं। अगर जो आप अपने हट से नहीं हटते हैं, जो राम को वन में भेजने के लिए बात सोच रहे हैं, अगर जो ऐसा ही सचमुच में हुआ तो राम नहीं रहेंगे तो सीता भी यहाँ नहीं रहेगी, सीता और राम नहीं रहेंगे तो लक्ष्मण भी यहाँ नहीं रहेंगे, राम नहीं रहेंगे यहाँ तो भरत राजा नहीं बनेंगे, राम नहीं रहेंगे यहाँ तो दशरथ अपना शरीर छोड़ देंगे, ऐसे ऐसे बहुत सारे उदाहरण दे, कोई बात तो असर हो जाएगी की पर, लेकिन जो व्यक्ति जिद दान करके बैठ लेता है ना, तो फिर उसको हटाना बड़ा मुश्किल है। एक एक के वचन सुनते हैं, हम आगे गाएंगे तो चुपाई दुहा और आपके बीच में फिर आपको समझाएंगे। अस विचारी वर छाड़ हूं को शोक कलंक कोटि जन हो, भरत ही अवस ही देव जुबराजी कानन का राम कर काजू, नाहिन राम राज के भूके धर्म दुरीन विषय रस रूके, गुरु ग्रह बस ही राम तज गे हूँ निबसन अस भरु दूसर ले हूँ, जो नहीं लागे वो कहे हमारे नहीं लागे हूँ कछु हाथ तुम्हारे, जो परिहास कीन कछु होई तो कहीं प्रकट जनायो सोई, राम सरिस सुत कानन जोग का कहीं सुने तुम कहूँ लोग, उठबेगी सोई करहूँ पाई जय विधि शोक कलंक न साई।
जय भाति सो के कलंक जाय उपाय करि कुल पालहि हट फेरु राम जात बन जनी बात दूसर चालहु जिमि भानु बिन दिनु प्राण बिन तनु चंद बिनु जिमि जामनी तिमि अवध तुलसी दास प्रभु बिनु समुझि दोषिय बामनी सुन साखिन सिखावन दीन सुनत मधुर परिणाम हित ते कछुकानन कीन कुटिल प्रबोधिन कुबर सियावर रामचंद्र जी की जय पवन सुत हनुमान की जय। कथा हम आपको सुना रहे हैं कि अयोध्या नगर के नारियां जो हैं ब्राह्मण पत्नियां हैं गुरु माताएं हैं और बड़े और बूढ़े बड़े और जो उम्र के हैं माताएं सब को सब मिल करके बारी बारी से के पास जा रहे हैं उनसे बात कर रहे हैं उनसे ये बात मांग कर रहे हैं कि आप इस ऐसे करिए ये हट अपना हटा लीजिए राम को वन भेजने के लिए बहुत लोगों का इसमें दुख होगा लक्ष्मण नहीं रह पाएंगे राम के बिना सीता नहीं रह पाएगी राम के बिना राम सीता के बिना नहीं रह पाएंगे माताएं राम के बिना रहेंगे अब नहीं रह पाएंगे अयोध्या राम के बिना सूना हो जाएगा तुम्हारे पति राजा दशरथ जो तुम्हारे हित जब से आप आए हैं तब से चाहते हैं आपका हित आपका भलाई चाहते हैं वो भी शायद शरीर छोड़ दे राम के बिना लेकिन असर होती है केकेई पे कि नहीं सुनिए कि हृदय में ऐसा विचार करके क्रोध छोड़ दो माता है सबको यही सब जाने केकेई को और शोक और कलंक की कोठी मत बनो कि आपका बीच में है एक कलंक लग जाएगी इसको आप छोड़ दीजिए। भरत जी अवश्य युवराज पद दो पर रामचंद्र जी को वन में मत भेजो। भरत को युवराज पद दे दो जो आप चाहते हैं कि वो राजा बन जाए सो दे दीजिए लेकिन राम को वन में भेजने वाले वो वरदान हटा लीजिए वो वरदान वापस ले लीजिए। रामचंद्र की राज्य भूखे नहीं है रामचंद्र तो अपने स्वभाव से स्नेह जो मिलता उसमें संतुष्ट रहते हैं। आगे चल के भगवान राम अपने नौदा भक्ति में सबरी से यही बताएं कि जितने मिल जाए उसी में संतुष्ट रहना। तो भगवान राम को स्वभाव सब लोग जानते हैं अवध की माताएं जो केकेई को समझा रहे सब यही बात है कि राम ऐसा नहीं है कि लालच करेंगे नहीं मुझे ही मिलना चाहिए। वे धर्म की धुरी धारण करने वाले विष रस से रुखे अर्थात उनमें विष शक्ति नहीं है उनमें कोई ऐसा नहीं है कि मुझे वो मिलना चाहिए तो मेरा अधिकार है तो मिलना चाहिए है ना ऐसा नहीं कर मांग करेंगे राम बता रहे कि इसलिए तुम यह शंका ना करो रामचंद्र जी को वन ना गए तो भरत का राज विघ्न करेंगे इतने पर भी मन ना मानते हो। अगर आप सोचें कि राम वन में नहीं जाएंगे तो भरत को राज करने में बाधा डालेंगे राम ऐसा कभी भी नहीं करने वाले सब विश्वास से दावा से अपने फुल विश्वास से बता रहे कि ही देखिए राम को हम अच्छे से जानते राम जी ऐसे कभी नहीं करेंगे। तुम राजा से द्वारा दूसरा ऐसा यह वर ले लो जे कि रामचंद्र जी घर छोड़कर के गुरु के घर चले जाए इतना भी बता रहे। तो गुरु वशिष्ठ है उनकी आश्रम अलग से है अयोध्या से वहां पर भेज दो राम को 14 वर्ष के अगर जो आपकी यही डर है तो वहां भेज दीजिए वन वाली बात हटा लीजिए वन में भगवान राम अकेले हो जाए। अकेले का मतलब कि कहाँ जाएंगे कहाँ ठहरेंगे किसके जमीन पर रहेंगे किसकी कुटिया में रहेंगे किस क्या खाएंगे कोई भरोसा लेकिन गुरु जी के यहाँ रहेंगे तो सब कुछ साधन मिल ही जाएगा उठने बैठने का कम से कम बैठने के उठने दिन भर रहने का तो साधन रहेगा कि कहाँ गुरु जी के कुटिया में रहेंगे साथ में खाने के तो साधन रहेगा ये सब साधन तो भगवान राम के लिए रहेगा। ये सब बात छोड़ करके वन वाले बात हटा करके ऐसे ले लो कि गुरु जी के घर तो भेज दिया जाए 14 वर्ष आपको चाहिए नहीं भरत से दूर रहे तो यही मांग लो। जो तुम हमारे कहने पर ना चलोगी तो तुम्हारे हाथ कुछ भी ना लगेगा यदि तुमने कुछ हंसी की तो वह उस प्रकट में कहन कर जना दो कि मैंने दिल लगी की है। अब ये भी समझा रहे कि अगर जो हमारे बात नहीं मानने वाले हैं याद रहे ये सब ब्राह्मण पत्नियां हैं और अयोध्या का बूढ़े और ज्ञानी लोग हैं माताएं हैं ये सब कुछ बात करके समझाते हैं तो ये आगे तलक देख भी सकते हैं कि क्या होने वाला अयोध्या में कि अगर जो कि यही आप बात नहीं मानते तो क्या होगा आपका जीवन में ये सब देख करके ही बता रहे हैं कि यही आप यही उचित है ये बात अपना हट हटा दीजिए।
तो बता दे राम सरी का पुत्र क्या वन में योग्य है, और यह सुन करके लोग तुम्हें क्या कहेंगे कि राम जिसका बेटा है, पूरे अयोध्या में कोई भी ऐसा नहीं समझेगा कि राम वन में लायक रहने लायक है। तो आप क्या कर रहे हैं कि आप सचमुच में राम को वन में भेजेंगे, लोग बोलेंगे कि इनके क्या किसी को हानि कर सकता है, राम का भी किसी को, भरत को कैसे हानि करेगा, अब इसको आप वन में भेज देंगे, ये अच्छी बात नहीं। तो बता रहे कि जल्दी उठो और वहां उपाय करो जिस उपाय से इस शोक और कलंक का नाश हो जाए। शोक यानी सब तरफ सूतक के तरह जो अयोध्या में फैल गई है समाचार, इसको आप हटाइए, इसको आप रोकिए, और इसके साक्षात में क्या करिए, ये कलंक जो आपके नाम पे एक दाग पड़ जाएगा उसको आप जल्दी से हटा दीजिए। और जिस तरह नगर भर में शोक और तुम्हारा कलंक मिट जाए उसी उपाय करके कुल की रक्षा भी कर लो। आप एक माताएं का एक स्त्री का एक जिम्मेवारी बनती है, जिस कुल में जन्मी है उस कुल का नाम लेकर चलेगी, जहां भी जाएंगी लोग पर्चे देंगे फलाना का पिता, फलाना इनका पिता है, उनके बेटी है, तो जो भी अच्छे बुरे करेंगे सब उनके माँ पिताजी के ऊपर तो असर पड़ेगा जिस कुल में जन्मी। फिर दूसरा क्या, जिस कुल में ब्याह करके जाएगी उस कुल का भी नाम रोशन करेगी अथवा अंधेरा करेगी। क्योंकि को ऐसा भी समझाया जाता है कि जिस कुल में आप जन्म लेकर आए हैं, जिस कुल में आप विवाह करके रहते हैं यानी राजा दशरथ का सूर्य वंश में, इस कुल का भी महानता आपके साथ में जुड़ी, अगर जो अच्छे आप कर्म करते हैं तो इसमें आपका भी पुण्य इसमें जुड़ा हुआ। जाते हुए श्री रामचंद्र जी को हट करके लौटा लीजिए, दूसरे कोई बात ना चलेगा। तुलसीदास जी कहते हैं कि जैसे सूर्य के बिना दिन, प्राण के बिना शरीर और चंद्रमा के बिना रात निर्जीव तथा शोभहीन हो जाती है, वैसे ही रामचंद्र के बिना अयोध्या हो जाएगी। एक तुलसीदास जी, तो तुलसीदास जी बताने की सुनिए दो कि देखिए कि जैसे जैसे ही सूर्य एक दिन ना निकले, अंधेरा ही अंधेरा ले, तो लोग यही कहेंगे कि सूर्य कहाँ है, आज क्यों नहीं दिखा रहे। अंधेरा दिन में अगर जो अंधेरा हो जाए तो सब लोग सूर्य को ढूंढने लगते हैं, वैसे रात में अंधेरा से अंधेरा रात हो लोग सोचते कि अच्छा चांद होता तो ऐसा दिखाई देता, वैसे ही अयोध्या में हो जाएंगे, सब लोग गली गली में यही ढूंढने के कहाँ है हमारे राम, कहाँ है हमारे राम। तुलसीदास जी बता, इस प्रकार से सखियों ने ऐसी सीख दी जो सुनने में मीठी है, परिणाम में हितकारी है, पर कुटिल कुबरी की सिखाई पढ़ाई हुई केकई का इस पर जरा भी कान न पड़ी। तुलसीदास जी कहते सुनिए कि सीख ही सिखावन दीन सुनत मधुर परिणाम हित, इसका अर्थ है इस प्रकार से सखियों के द्वारा जो भी शाम का बेला में हमेशा केके के साथ बैठते थे सत्संग के लिए, जितने माताएं बैठते थे ज्ञान ध्यान का बात करते थे, कथाओं का ग्रंथों का बात करते थे, तो आज वो सब इतने ज्ञान दे दिए इनको, सुनने में मीठा लगा और परिणाम भी इनका भलाई है केके का, लेकिन क्या बता दी कुबरी यानी कि मंत्रा का सिखाई और पढ़ाई वाले बात केके के ऊपर इतने असर कर रहे हैं कि दिखाई पर इस पर जरा भी उसको कान ना पड़ा, यानी कि थोड़े भी सुनने की बात भी नहीं है, आगे क्या कह सकते। हाँ भाई एक चौपाई और आपके बीच में गाएंगे, उससे पहले एक छोटी भजन। भजो रे भाई राम चरण Yeah.
आपके बीच में राम कथा अयोध्या कांड की कथा हम सुना रहे हैं। राम भगवान तैयारी कर रहे हैं, उनको मणिमन समझ में आ गया कि माता जी मांग करी है, पिताजी मौन है, कहे तो नहीं रहे कि जाइए लेकिन बोल भी नहीं रहे कि रुकिए। राम को तो ये समझ में आएगा कि मुझे जाना ही जाना है। इधर केके को बहुत समझाने के बाद में तुलसीदास जी कह रहे हैं केके को कोई उत्तर नहीं दे। ब्राह्मणी रावण की पत्नियां हैं, राजपत्नियां हैं वहां पर, और ज्ञानी नारी हैं, माताएं हैं, सबको समझाने के बाद में उत्तर नहीं दी कि मैं क्या करने वाले हूँ। राज्य करते हुए केके को देवों ने नष्ट कर दिया है, उसने जैसा कुछ किया है वैसा ही कोई भी नहीं करेगा। सब लोग कह रहे हैं केके आज तक जो मांगी है राजा दशरथ से, राजा दशरथ उसको दिए, यही तो आदत बिगाड़ होगी। और बता रहे कि क्या नगर में सब स्त्री पुरुष इस प्रकार से विलाप कर रहे हैं और उसको कुचाली केके करोड़ों गालियां भी दे रहे हैं, करोड़ों हजारों हजारों में बता रहे, लाखों हो दस हजारों हो करोड़ों बता देते, मिलियन में लोग गालियां दे रहे हैं किसको, केके को, कि कहां ऐसे कहां ऐसे कहां ऐसे। अनेक अनेक बात तुलसीदास जी बता रहे करोड़ों लोग नगर में कुचाली केके को, कुचाली कुचाल पर चलने वाले, जो चाल पे नहीं चलना चाहिए उसको कुचाली कहें, तो लोग विष मंजन से भयानक दुख आग से जल रही है, लोगों को अंदर भूख नहीं लग रही है, वो आग जल रही है अंदर कि ऐसा कैसे केके ने मांग कर दिया। सब कुछ चलता फिरता हम लोग क्या खुशहाली का रास्ता देख रहे थे, केके ने क्या मांग।
लंबी सांस लेते हुए कहने लगे, रामचंद्र जी के बिना जीने के तो कौन आशा रखेगा। महान वियोग, ये महान संकट हम लोग के जीवन में आएगी, कौन राम के बिना रहेगा। आज भी हम लोग को सोचना चाहिए कि अगर जो पूजा पाठ हम लोग को करने के लिए नई अवसर मिलती है तो फिर जीने के लिए क्या मतलब। रामचंद्र जी का भक्ति हमारे जीवन में कूट कूट के भरे, ऐसे तुलसीदास जी इच्छा रख रहे हैं यहाँ पर कि प्रजा ऐसा व्याकुल होगी कि मानो पानी सूखने पर सम जलझर जीवों को समुदाय व्याकुल हो जाते हैं, न कि अति विषाद वस लोग लगाई। आया चुपाई में सुन गए थे, जर ही विष जर ले है वो सासा, कब ने राम बिन जीवन आसा, विपुल वियोग प्रजा अकुलानी, जनु जल चर गन सुखत पानी, अति विषाद बस लोग लगाई, गए मात पहि राम गोसाई, मुख प्रसन्न हम जित रोगु न जाओ, मिटा सोच जन राखे हो राओ, यास गवंद रघुवीर मनु राज यलान समान, छूट जानी बन गवन सुनी उर आनंद अधिकान, सियावर राम चंद्र जी की जय, पवन सुत हनुमान की जय, उमापति महादेव की जय, रामायण महाग्रंथ की जय। बोलो रे भाई सब संतन की जय। के कोई असर नहीं पड़ा, कितने लोग बता चुके, कोई असर नहीं बता। राज्य करते हुए के कितने समय बीत गए, आस्थलिक लोग विष मंदिर में, भयानक दुख आ गया आग के समान ना? जीवन में हम चलते रहे जीवन, अचानक में सबसे बड़ा दुख आके खड़ा गया। अयोध्या वासियों को ऐसे आज लग रहा कि अचानक में दुख कैसे हमारे जीवन में आके खड़े हो गए। विपुल वियोग प्रजा अकुलानी, सभी पुरुष स्त्रियां अत्यंत विषाद वश में हो जाते हैं। स्वामी रामचंद्र जी माता कौशल्या के पास गए, इधर राम भगवान जा रहे हैं कौशल्या से आज्ञा मांगने के लिए कि मैया अयोध्या का राज नहीं, अब मुझे वो राज मिलने वाला, बन के राजा में बनने वाला हूँ कुछ दिन के लिए। उनका मुख प्रसन्न है और चित्त में चौगुना चाह उत्साह है। राम जी को क्या लग रहा कि मैं परिवार से छूट रहा हूं, लेकिन मुझे क्या प्राप्त हो रहा है। माता जी के आशीर्वाद है कि मैं जाऊं, के का है, पिताजी का आज्ञा है कि मैं जाऊं, फिर राजा दशरथ तो कहे ऐसे दुख न कहे भी नहीं कि नहीं जाइए। और बता रहे इधर यह सोच मिट जाता है कि राजा कहीं रख ना ले। और रामचंद्र जी का राज तिलक बात सुनकर विषाद हुआ तो वे सब भाइयों छोड़ करके, भाई बड़े भाई मुझको राज तिलक क्यों नहीं होता है, अब माता केकई की आज्ञा और पिताजी का मौन सम्मति पा करके, पिताजी कहे नहीं है कि जाइए मन में, लेकिन पिताजी क्या है, मौन सम्मति, मौन रहना, यानी कि राजा दशरथ कहे नहीं कि हाँ जाइए, लेकिन ये भी नहीं कहे कि नहीं जाइए। जो केकई कह रहे हैं उनके सामने वो सुन रहे हैं, लेकिन कहे भी नहीं रहे कि ऐसे नहीं है, तो मौन है। तो उसके अर्थ यही है, ये कहने का मतलब ये है कहीं पर कुछ गलती हो रहा है, अगर जो आप गलती को सुन रहे हैं तो उसके भागी आप भी हैं। मौन है, चुप है, कुछ बोल भी नहीं रहे, इसके मतलब जो सुन रहे हैं गलती चीज सुन रहे हैं तो उसके पाप का भागी आप भी हैं। तो यहाँ बता रहे हैं कि राजा दशरथ मौन रहने पर ही राम जी को समझ में आ गया कि पिताजी भी इसमें अनुमति दे रहे हैं मुझे जाने का। पिताजी का मौन सम्मति पाकर वह चोट चोट मिल जाता कि पिताजी भी तो रोके नहीं है मुझे कि नहीं जाइए। आज का दोहा का अंतिम दोहा में हमने सुने हैं, रामचंद्र जी मन नहीं पकड़ हुए हाथी के समान, राज तिलक उस हाथी को बांधने से कदीदार होलो करके वे समान होते हैं, वन जाना है मन में सोच लेते हैं, जैसे भी हो माँ पिताजी की आज्ञा है मुझे जाना है सो जाना। अपने बंधन से छूटा जा रहा है कि जिस परिवार में हम जन्मे हैं, माँ है, पिता है, भाइयों हैं, पत्नी है, सबसे हम छूट जब जा रहे हैं। और उनके हृदय में आनंद बढ़ जाता कि विधाता ने हमारे रास्ते खोले कि सारे संबंध को छोड़ करके हम वन में जाएंगे नया भक्ति पाने के लिए, संतों को दर्शन के लिए, भक्तों को तारने के लिए, जैसी भी बात हो। आज का प्रश्न हम यहीं पर छोड़ रहे हैं, हम चल रहे हैं भगवान राम का 108 नाम सुनने के लिए, 108 नाम सुनने के लिए। और नाम में
108 नाम सुनेंगे। अगर जो आपके घर पर कुछ तैयारी बनाए हैं भगवान को 108 तुलसी दल अर्पण करने के लिए, और तुलसी मंजरी है, पीले फूल है, कुछ भी ऐसे सामान है भगवान को अर्पण करी तैयारी कर लीजिए। हम एक छोटे भजन का फिर श्रवण करके फिर आपको बीच में 108 नामों का श्री राम रामाय रामचंद्राय राम भक्ताय हिम अमादो राम तपवनदिगम नाम हत्वामिक कंचाननम वेदेय हरणम जटायु मरणम सुग्रीव संभाषम बाली निग्रहरणम समुद्र तरणम लंका पुरीदानम पंचद रावण कुमकरण हरण यतित श्री रामायनम। हम लोग सुनेंगे भगवान राम का 108 नाम। आपके भागे इसको आप श्रवण कर रहे हैं आज उत्पन्ना एकादशी के शुभ तिथि पर, भगवान विष्णु का राम का रूप में इसको आप श्रवण कर रहे हैं, दूत की कथा श्रवण किए हैं और उसके साक्षात में आप भगवान राम का नाम आप घर बैठे ही ओम राम रामाय नमः बोलते रहेंगे तो आज का आपका 108 जप हो जाएगी। कानों में आपका ये भगवान का जो 108 नाम है, जो भगवान एक एक लीला की उसके हिसाब से एक एक नाम उसको दिया गया, वो आप श्रवण करेंगे। पहला है ओम श्री रामाय नमः, ओम श्री राम भद्राय नमः, ओम श्री रामचंद्राय नमः, ओम श्री शाश्वताय नमः, ओम श्री राजीव लोचनाय नमः, ओम श्री रघुपुंगवाय नमः, ओम श्री जानकी वल्लभाय नमः, ओम श्री चैत्राय नमः, ओम श्री ही जनार्दनाय नमः, ओम जीतामित्राय नमः, ओम श्री ही विश्वामित्र प्रियाय नमः, ओम दांताय नमः, ओम श्री शरणा तत्पराय नमः, ओम ब्राली प्रमथनाय नमः, ओम श्री वर्तधराय नमः, ओम सदा हनुमदर्शिताय नमः, ओम श्री कौशल्यै नमः, ओम श्री ही जामदगना दर्पणाय नमः, ओम ताटकांतकाय नमः, ओम श्री वेदांत सराय नमः, ओम दश ग्रीव शोराय नमः, ओम श्री वेदात्मने नमः, ओम भौरोग्यस्य भेषशाय नमः, ओम श्री त्रिगुणात्मकाय नमः, ओम श्री त्रिविक्रमाय नमः, ओम पुण्यचरित कीर्तनाय नमः, ओम श्री त्रिलोकरक्षाय नमः, ओम धनविने नमः, ओम महादंडकारणकर्ताय नमः, ओम अहिल्याशापः शमनाय नमः, ओम पितृभक्ताय नमः, ओम श्री वरप्रदाय नमः, ओम श्री वरप्रदाय नमः, ओम जितेन्द्रियाय नमः, ओम जितक्रोधाय नमः, ओम महाजगद्गुरुवे नमः, ओम रियच्छवार संघिने घातिने नमः, ओम चित्रकूट समाश्रयाय नमः, ओम जयंत तत्परदाय नमः, ओम सुमित्रा पुत्र सेविताय नमः, ओम सर्वदेवादिदेवाय नमः, ओम मातृवारण जीवन नमः, ओम मायामरी हंचहंत्रे नमः, ओम महादेवाय नमः, ओम महाभुजाय नमः, ओम सर्वदेवस्तुताय नमः, ओम सौम्याय नमः, ओम ब्रह्मणे नमः,
ओम मुनि संसुताय नमः ओम महायोगिने नमः ओम महोदराय नमः ओम सुग्रीव वसित प्रजदाय नमः ओम सर्व पुण्य दीक फलाय नमः ओम सिमरीति सर्व घनाशनाय नमः ओम आदि पुरुषाय नमः ओम परम पुरुषाय नमः ओम महापुरुषाय नमः ओम पुण्यदयाय नमः ओम दयासराय नमः ओम पुराण पुरुषोत्तमाय नमः ओम स्मृति वक्त्राय नमः ओम मितभाषिणे नमः ओम पूर्वभाषिणे नमः ओम राघवाय नमः ओम अनंत गुण गंभीराय नमः ओम धीरोदक्त गुणक्तमाय नमः ओम माया मनुष्य चरिताय नमः ओम महादेव दीपूजिताय नमः ओम सेतु कृते नमः ओम जितवारशे नमः ओम सर्वतीर्थमयाय नमः ओम हरे नमः ओम श्यामांगाय नमः ओम शूराय नमः ओम सुंदराय नमः ओम पितवाससे नमः ओम धनुधराय नमः ओम सर्व यज्ञधीपाय नमः ओम यज्ञमे नमः ओम सर्व पगुण्यवर्जिताय नमः ओम श्री शिवलिंग प्रतिष्ठात्रे नमः ओम परमात्मने नमः ओम परम ब्रह्मणाय नमः ओम सच्चिदानंद विग्रहाय नमः ओम परम ज्योतिषे नमः ओम परम धामने नमः ओम प्रकाशाय नमः ओम परतपराय नमः ओम परेशाय नमः ओम श्री पारगाय नमः ओम महापाराय नमः ओम सर्वदेतमकाय नमः ओम परस्मै नमः श्री राम रमेति रमेति रामे मनोरमे सहस्रां तत्तुल्यं राम नाम वर्णाने अयोध्या मथुरा माया काशी कांची अवंतिका पुरी द्वारावती गंगा सप्तते मोक्षदायक राजा रामचंद्राय नमः ओम राम रामाय नमः। अब आरती की तैयारी कर लीजिए, पूजा के स्थान पर आप हैं तो ज्योति जला लीजिए, आरती के थाली में कुछ फूल चावल या जल और ज्योत के साथ में या कपूर से आरती करें तो भी ठीक है, और दिया जला करके भगवान राम भगवान गणेश जी शिव परिवार रामायण ग्रंथ हो उनका और जो भी देवताओं आपके पूजा के स्थान पर सभी को बारी बारी से, लेकिन विशेष आरती रामायण के लिए या राम भगवान के लिए रखिए। गणेश जी से जरूर आरंभ करना है, सारे देवताओं को अगर जो आप कर लेते हैं तो अच्छी बात है। ये आरती आप यहाँ स्टूडियो से गाएंगे आपके बीच में और आप वहाँ घर पर श्रवण करके अपने स्थान पर पूजा के स्थान पर इसको समर्पित करें। भारत श्री रामायण की रथ कलित ललित सिया की, भारत श्री रामायण की रथ कलित ललित सिया की। Oh, God.
आरती आप श्रवण किए हैं, अब यहाँ स्टूडियो से भी आप दर्शन किए होंगे और उसके पश्चात हम लोग चलेंगे रुद्राष्टक के पाठ। भगवान शिव से क्षमा याचना। शिव भगवान ही प्रथम कथावाचक हुए रामायण का, पार्वती का मांग पर, और उनसे महादेव है ही, देवादिदेव महादेव उसको मानते हैं। हर एक देवताओं से क्षमा मांगना हो तो देव भगवान शिव जी क्षमा कर देते, तो सब कुछ क्षमा करना ही करना होगा। और शिव जी का रुद्राष्टक के पाठ यही रामायण से निकली हुई, कोई भक्त से गलती होता है तो इस पाठ को श्रवण करने से, और हम सबसे गलती होते ही होते, कलयुग में हम बैठे हैं इसमें जरूर कुछ ना कुछ गलती होती रहती है। भगवान शिव का रुद्राष्ट का पाठ के साथ में उनसे क्षमा याचना, फिर आगे विसर्जन आदि। चिदाकाशमाकाश वासं भजेऽहं निराकारमोहकारमूलं तुरीयं गिरा ज्ञानकोटिरीशं गिरीशं करालमहाकालकालकृपालं गुणागार संसार पारं नतोऽहम् तुषारादिसङ्काशरं गभीरं मनोभूतकोटिं प्रवाशिशरीरं सर्वविकलोति चारुगङ्गा लसद्भारतालोकान्तेपुरं चलद्गुरुलं सुनेत्रं विशालम् प्रसन्नानन्दं कन्तदयालम् मृगाधीशम्राम्बरमुदमालम् प्रिये शङ्करं सर्वनाथं भजामि अखण्डमजम्बाहोगोतिप्रकाशम् त्रिशूलनिरमूलशूलभवानीं भजेऽहं भवानी अतिभागपुण्यं कलातीतकल्याणकल्पातकारी सदा सचिदानन्द दाता मुरारी चिदानन्द सन्तो मोहपहार
भाई प्रसिद्ध प्रसिद्ध प्रभु मन प्रधारी दयावंत महाराज बालार गजिंदोगे परे प्रभु पाहिया ओम रुद्रा समिदं प्रोक्त विष्णु हर तोषिये ये परंति नरा भक्ता तेषां शंभो प्रसिद्धते ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय। सदा आपके बीच में भगवान शिव जी का रुद्राष्टक का विशेष पाठ, इसको हर दिन प्रतिदिन भी आप गाएं तो बड़ी उचित है, क्योंकि पूजन में कुछ कमी त्रुटियां तो होते ही रहते हैं। हम लोग अज्ञान है, जैसे भगवान चाहते हैं वैसे हम पूजा पाठ नहीं कर पा रहे हैं। जैसे भगवान की इच्छा होती कि हमसे स्वीकार करें पूजा, वैसे जो भी प्रिय वस्तु भगवान चाहते हैं वो सब हम नहीं दे पा रहे हैं, तो उसके जगह पे क्षमा प्रार्थना रुद्राष्टक के पाठ के साथ साथ में अपने साथ में जुड़ी है, तो ये जरूर आप गाने के सीख लीजिए। आजकल तो अंग्रेज भाषा में भी सभी तरफ प्राप्त होती है। हम लोग आप चलेंगे विसर्जन के पाठ, देवताओं को अपने अपने धाम को विदा करेंगे और रामायण ग्रंथ को आज के लिए विश्राम देंगे। अगले सप्ते फिर इसको लेकर के आगे वहां से उठाएंगे। कथा विसर्जन होते हैं और आप सभी लोग हमारे साथ में गाइए। कथा विसर्जन होते हैं, सुनो वीर हनुमान राम लखन श्री जानकी सदा करो कल्याण रमा। एक गरिया दी गई आलो में बुनियाद रमा, तुलसी संगत साधु की कटे गोट अग्रहार रमा। जो जन जहाँ से आए हो कथा सुनो मन लाए रमा, अपने अपने धाम को विदा होए हर शाए रमा। श्रोता सब आश्रम गए सब गए कैलाश रमा, रामायण मम हृदय में आय करो तुम वास रमा। प्रभु दंडवत प्रभु सना तुम्हारी कहो कर जोर रमा, बार बार रघुनाथ कही सुरति करायो मोर रमा। बार बार वनवास हो हर्ष देव श्री रंग रमा, पद सरोज जन पायी अति सदा सत्संग रमा। सुत शयन करो मानस भय विश्राम रमा, नारे गाओ सिंह भरे सब काल रमा। हरिशरण गुरु शरण शरण गौरी गणेश रमा, तुलसीदास प्रभु के शरणा शरण अवध नरेश राम लखन श्री जानकी भरत शत्रु कर भाए रमा। कथा विसर्जन करत हो की जय शीश दबाए रमा, सब संत को बंदगी ब्राह्मण को प्रणाम रमा। श्रोता जन कर जोर के
स्वस्तिर्भवतु सर्वेषां शान्तिर्भवतु सर्वेषां पूर्णं भवतु सर्वेषां मंगलं भवतु सर्वे भवन्तु सुखिनां सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत् ॐ असुतो मा सत्गम्या तमसो मा ज्योतिर्गम्या मृत्यो मा अमृतं गम्या ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते ॐ शान्तिः 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 त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बन्धुः च सखा त्वमेव त्वमेव विज्ञाद्रविणं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देव देव कायेन वाचा मनसेन्द्रियैर्वा बुद्ध्यात्मना वा प्रकेतस्वभाव करोमि यदि यद् सकलं परस्मे नारायणायेकि समर्पयामि सदाशिवायेकि समर्पयामि जगदम्बिकायेकि समर्पयामि। बोलो सच्चिदानंद भगवान की जय। गणपति गजानंद भगवान की जय। आदि शक्ति नव दुर्गा माता की जय। पवन सुत हनुमान की जय। रामायण महाग्रंथ की जय। श्रोताओं आज आप हमारे साथ फिर जुड़े 31वां यानी कि 31st शुक्रवार आपके बीच में और हमारे भाग बने कि आपका आज फिर कथा सुनाए। हम 3 बार महामृत्युंजय मंत्र बोलेंगे और 3 बार महामारी को दूर करने के लिए देवी का मंत्र बोलेंगे, जिसको आप श्रवण करके मनी मन ही प्रार्थना करें कि आपके परिवार में आपके करीब में कोई भी हो, चाहे पड़ोस का हो, चाहे परिवार दूर रिश्ता भी हो, देश विदेश में भी हो, जहाँ जहाँ भी हो, किसी को बीमारी अगर रोग सता रही है तो इस मंत्र को सुनने से उनके जीवन में रोग से सुधार आ जाए अथवा रोग कभी परेशान ना करें, ऐसे सोच करके इस मंत्र को आप श्रवण करिए, मनी मन प्रार्थना करिए। हरिः ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिन पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिवावन्दनार्मृत्योर्मोचीयमामृतात्। ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिन पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिवावन्दनार्मृत्योर्मोचीयमामृतात्। ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिन पुष्टिवर्धनम् नूर्वारुकमिवावन्दनार्मृत्योर्मोच्येयमामृतात्। ॐ जयन्ति मङ्गला काली भद्रकारिणी कपालिणी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा सुधा नमोऽस्तु ते। ॐ जयन्ति मङ्गला काली भद्रकारिणी कपालिणी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा सुधा नमोऽस्तु ते। ॐ जयन्ति मङ्गला काली भद्रकारिणी कपालिणी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा सुधा नमो अस्तु ते। आपके बीच में इस सप्ताह का कथा समर्पित करते हैं। अगले शुक्रवार फिर मिलेंगे, लेकिन आने वाले सप्ताह में कितने और धार्मिक प्रोग्राम आपके बीच में आने वाले हम सुनते हैं। शब्द जी हाँ जी हाँ दोस्तों, क्षमा चाहते हैं जितने भी लोग आज हमारे साथ जुड़े थे रेडियो सरगम के माध्यम से। आज 31st एपिसोड ऑफ राम कथा, बहुत बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए। जो जो लोग हमारे प्रोग्राम को शेयर किया है उसके लिए भी तहे दिल से धन्यवाद देते हैं। बहुत सारे लोग हमारे इस कथा को फॉलो करते हैं हर फ्राइडेज को। पंडित जी को भी धन्यवाद देते हैं जो अपने मूल्य समय निकाल कर आते हैं हर फ्राइडेज को ये कथा लेकर। और हमारे स्पॉन्सर जो फ्लेवर ऑफ फिजी दोस्तों पाकली मार्केट में है, वेंसडे से लेकर संडे तक वो खुला रहते हैं। और साथ साथ में वहाँ पर अगर आप
इंडियन फूड खाना चाहे तो जरूर जा सकते हैं। सभी तरह के इंडियन फूड मिलता है, केटरिंग सर्विसेज भी उनका है और साथ साथ में इंडियन ग्रोसरीज भी वहाँ पर है, गेट 5 पाकली मार्केट। तो चलते हैं, नंबर स्क्रॉल कर रहा है दोस्तों। अगर आपको केटरिंग कराना है, क्रिसमस का समय आ गया, बहुत सारे लोग केटरिंग कराना चाहते हैं, तो आप ज़रूर उनको संपर्क कर सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी को जुड़ने के लिए। आने वाले जो सोमवार है उस दिन हमारा जैसे नॉर्मल प्रोग्राम आता है और उस दिन गीता का प्रवचन होगा, पंडित आशीष शर्मा लेकर आएंगे, और कल एक छोटी सी कीर्तन लेकर हम आएंगे आफ्टर 8 PM। और मंडे को जैसे हमने कहा है गीता है, और फिर यूजुअल हमारे साथ मास्टर जी आते हैं, और वेंसडेज को और थर्सडेज को हमारा चर्च सर्विस होता है, फिर शुक्रवार को पंडित जी अपना कथा लेकर आएंगे। तो ऐसे ही फॉलो करते रहे दोस्तों, कुछ चेंजेस होगा, अगले साल होगा, अब तो इट्स ओनली 3 वीक्स अवे टू न्यू ईयर, तो अगले साल कुछ चेंजेस होगा तो हम आपको इतला करेंगे। जुड़ने के लिए वंस अगेन बहुत बहुत शुक्रिया। एक गीत हम लगाते हैं आप सभी के नाम, और इस गीत में हम आप सभी को शामिल करते हैं। जी हाँ दोस्तों, भूलना नहीं, ये प्रोग्राम यूट्यूब में भी हुआ होता है। अगर आप रेडियो सरगम ऑस्ट्रेलिया का यूट्यूब सब्सक्राइब करेंगे, वहाँ से आपको सुनने को देखने को मिलेगा, साथ साथ में हिंदू कॉस्मोस ऑस्ट्रेलिया जो पंडित जी का खुद का अपना यूट्यूब चैनल है मंदिर का, वहाँ से भी आप जितने भी रिलीजियस प्रोग्राम है उनको देख सकेंगे। एकादशी आज है, आप सभी को बहुत बहुत शुभ और मंगल में हो। हमारे साथ किसी का नाम मवाली नहीं लिए दोस्तों, क्योंकि आप जानते हैं जब की प्रचार चल रहा होता हम किसी का नाम मवाली नहीं लेते। तहे दिल से आपको हम स्वागत करते हैं। रोशनी लता जी आपको भी जोकलन से जुड़ी है, हमारे साथ प्रेमा शर्मा भी जुड़ी है, आपको भी राम राम प्रेमा जी। जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। सदेशनी लाल, सरिता देवी जी जुड़े हैं, विजयवती जी, प्रेम महेंद्र प्रसाद, खुशमा सिंह जी, जितने भी लोग जुड़े हैं, परमिला जी आपको भी बहुत सारा प्यार। जुड़ने के लिए स्वागत है आप सभी का रेडियो सरगम ऑस्ट्रेलिया पर। दंडक वन पर
जी हाँ दोस्तों, जाने का समय आ गया है। जाते जाते आप सभी को वन सेकेंड थैंक यू सो मच चुनने के लिए 31 एपिसोड ऑफ राम कथा पर। अगले शुक्रवार को फिर हमारा एपिसोड आएगा, जुड़िएगा मत, जुड़िए भूलना मत जुड़ने के लिए। जितने भी लोग जुड़े हैं प्लीज़ डू इनवाइट योर फ्रेंड्स एज वेल। और साथ साथ में सोमवार को, आने वाले सोमवार को गीता पाठ विद पंडित आशीष शर्मा, जैसे कि एवरी सेकेंड मंडेज को लेकर आते हैं, वो लेकर आएंगे। तो प्लीज़ डू ट्यून इन। अगले साल 2021 नया प्रोग्राम्स आएगा, कुछ नया चीज आएंगे, नया आरजेज आएंगे और नया कुछ नया पंडित भी हमारे साथ जुड़ेंगे जो प्रचार लेकर आएंगे, अच्छे प्रोग्राम्स लेकर आएंगे आप सभी के नाम। तो प्लीज़ कीप फॉलोइंग रेडियो सरगम, आप मत भूलना। अगर आप यूट्यूब नहीं सब्सक्राइब किया तो ज़रूर जाकर सब्सक्राइब कीजिए। यूट्यूब चैनल जो हमारा रेडियो सरगम ऑस्ट्रेलिया का है, वहाँ से आपको जितना भी हमारा प्रोग्राम्स है, आपके दोस्त जहाँ भी हो वहाँ से देख सकते हैं। स्वयंवरक अधिकारी जी वॉचिंग फ्रॉम नेपाल, थैंक यू जुड़ने के लिए, बहुत बहुत शुक्रिया। जी हाँ दोस्तों, अब जाने का समय आ गया, आप सभी से मुलाकात होगी आप सोमवार को। हैव अ नाइस वीकेंड और स्टे सेफ।